वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रैट के सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टेरियल सिस्टम के बारे में, कौन कौन सी आर्टरी होती है और कहाँ कहाँ वो ब्लड की सप्लाई करती हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है एंड एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अब ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होगा, ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर सिंपली हार्ट होता है, आर्टीरियल सिस्टम होता है, वीनस सिस्टम होता है एंड ब्लड होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक नोड्यूल्स एंड लिम्फेटिक हार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में ये आर्टेरियल सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आर्टेरियल सिस्टम क्या होता है। लाइक रेड क्या है, एक मैमल्स है, तो इसका आर्टेरियल सिस्टम जो है जो ह्यूमन बींग है उससे मिलता जुलता ही होता है। तो आर्टेरियल सिस्टम की अगर हम बात करें, आर्टेरियल सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो कि हार्ट से ब्लड को लेके जाता है थ्रू आर्टरीज इज कॉल्ड आर्टेरियल सिस्टम। ठीक है, इसको ही आर्टेरियल सिस्टम बोला जाता है। टू मेन सिस्टम्स होते हैं आर्टेरियल सिस्टम के अंदर, एक होता है पल्मोनरी सिस्टम, एक होता है ऑर्टिक सिस्टम। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी आर्टरीज जो है यहाँ से निकलती है। तो पल्मोनरी सिस्टम एंड ओर्टिक सिस्टम, यहाँ पे दो सिस्टम होंगे। सबसे फर्स्ट पल्मोनरी सिस्टम। पल्मोनरी सिस्टम जो है रिलेटेड विद द ब्लड सप्लाई फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द हार्ट टू द लंग, ये बिलोंग करता है, जो ब्लड सप्लाई होती है राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कौन करता है, पल्मोनरी सिस्टम और पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है वो करती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज वेसल पल्मोनरी आर्च कमिंग आउट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक लार्ज वेसल होती है, पल्मोनरी आर्च होती है, जो क्या करती है, ये राइट वेंट्रिकल से बाहर निकल के आती है एंड फिर ये कर्व करती है टुवर्ड्स द डोर्सल साइड एंड टू द लेफ्ट एंड स्प्लिट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज टू कैरी ब्लड टू रिस्पेक्टिव लंग। तो ये क्या करेंगी, दोनों लंग्स को ब्लड की जो भी इनको जाना है वहां तक ये पहुंच जाएंगी। पल्मोनरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। ठीक है, हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल है उससे लेकर हार्ट तक ये जाती है। इसके अंदर लार्ज वेसल पल्मोनरी आर्च कंटेन की जाती है जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल के आती है, फिर ये कर्व करती है राइट वेंट्रिकल से निकल के आने के बाद एंड ये डोर्सल साइड तक, ठीक है, ऐसे ऐसे निकल के आएंगी, फिर ये कर्व करेंगी और फिर ये डोर्सल साइड तक रन करेंगी एंड टू लेफ्ट एंड स्प्लिट इन टू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये दो आर्टरीज के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है और दोनों की दोनों आर्टरी जो है रिस्पेक्टिव लंग्स के अंदर, लंग जैसे कि लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है लेफ्ट लंग के अंदर जाएगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी है राइट लंग के अंदर चली जाएगी या फिर सप्लाई भेजेगी। इसके बाद सेकेंड आता है ओर्टिक सिस्टम। ओर्टिक सिस्टम के अंदर और ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा आर्टरीज यहाँ पे होती है। तो ओर्टिक सिस्टम जो है, दिस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का हमने देख लिया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्च या फिर पल्मोनरी सिस्टम के थ्रू कैरी किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे डिवाइड करना होता है, फिर उसको भेजना होता है, तो वही काम ओर्टिक सिस्टम करता है। अ सिस्टम ओर्टिक आर्च arise from the anterior corner of the left ventricle. Left ventricle के anterior corner से ही arise होती है and turns dorsal wards and to the left. फिर dorsal side में जाएगी and फिर जाएगी left की side में. Now it run backwards along the mid dorsal line as dorsal aorta. अब ये mid dorsal line जो होती है इसकी body की, उसके along with run करेगी as dorsal aorta. Then it supplies oxygenated blood to all body parts by various branches. ठीक है, अब ये बहुत सारी अलग अलग branches के थ्रू अलग अलग body parts को blood supply कर। ठीक है, तो aortic system के अंदर क्या होता है, left ventricle से oxygenated blood पूरी body parts तक पहुंचाया जाता है और वो blood पहुंचाने के लिए बहुत सारी arteries यहाँ पे काम करती है।
तो उन आर्टरीज की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये एक पेयर में होती है। कोरोनरी आर्टरीज अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टेमिक आर्च। सिस्टेमिक आर्च जो होती है, फिर जो सिस्टम आर्च है उससे ही, उसके बेस से ही अराइज होती है। लाइक इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो है ये बीच में हार्ट हो गया, तो ये बीच में क्या हो गया, बीच में ये हार्ट, इससे ये निकल के आई है। अलग अलग जो आर्टरीज है इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है, एक पेयर में कोरोनरी आर्टरीज ये होती है जो कि सिस्टेमिक आर्च के बेस से अराइज होती है। एंड ये क्या करती है, जो हार्ट की वाल होती है, हार्ट की वाल को ही ये क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। तो कोरोनरी आर्टरीज क्या होगी, सिंपली ये हार्ट की वाल को सप्लाई भेजेगी। इसके बाद सेकेंड आती है यहाँ पे इनोमिनेट आर्टरी। इनोमिनेट आर्टरी जो है इट अराइज फ्रॉम द सिस्टेमिक आर्च जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट। अब हार्ट से जब ये बाहर निकल के आती है सिस्टेमेटिक आर्च, तो ये क्या करती है, इनोमिनेट आर्टरी बन जाती है। एंड इट इज शॉर्ट मीडियन आर्टरी होती है जो कि बाइफर्केट करती है दो आर्टरीज के अंदर। दो आर्टरीज यहाँ पे कौन सी होगी, अब एक होती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक होती है राइट सब क्लेविन आर्टरी। तो जब ये बाहर निकल के यहां से जाएगी, ठीक है, यहां से भी जब ये जाएगी, तो एक तो यहाँ पे ये सबक्लेवियन बन जाएगी और एक यहाँ पे क्या बन जाएगी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी बन जाएगी। अब लेफ्ट साइड में लेफ्ट की बनेगी, राइट साइड में राइट साइड की बनेगी। अब ये जो है ये दो के अंदर बट गई है, ठीक है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक यहाँ पे राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हो गई यहाँ पे। जैसे कि लेफ्ट वाली मैंने टिक की है, इस साइड ये हो गई है राइट वाली। ये फिर फर्दर जाके ये ब्रेक हो जाती है, ये ब्रेक होती है लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड के अंदर या फिर राइट इंटरनल कैरोटिड के अंदर एंड राइट एक्सटर्नल कैरोटिड के अंदर। तो राइट कॉमन कैरोटिड जो आर्टरी है ये रन करती है फॉरवर्ड इन द हेड रीजन, ऊपर की तरफ हेड होगा तो हेड रीजन के अंदर ये रन करेगी। एंड नियर द एंगल ऑफ द जाज इज डिवाइड टू टू ब्रांचेस। जाज तक पहुंचने के बाद वहां पे ये दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है और ये दो ब्रांचेस में एक होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, एक तो यहाँ पे होगी, ये दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड की है, एक होगी यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड और एक यहाँ पे होगी इंटरनल कैरोटिड। तो एक्सटर्नल कैरोटिड जो है डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू द राइट साइड ऑफ द हेड एंड फेस। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये राइट साइड में ब्लड सप्लाई करेगी और इसमें जो ये दो के अंदर जब डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये जो है राइट साइड ऑफ द हेड एंड फेस के अंदर ब्लड सप्लाई करेगी। एंड सेकेंड इज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ये वाली इंटरनल है और ये वाली एक्सटर्नल है। तो ये जो इंटरनल वाली है, इंटरनल वाली डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन राइट साइड जो है ब्रेन की उस तक सप्लाई करेगी। ऐसा ही सेम चलता है लेफ्ट साइड में भी। तो यहाँ पे हम राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की अगर हम बात करें, ये हेड रीजन के अंदर जाती है ऊपर की तरफ और ये डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस के अंदर। एक यहाँ पे होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करती है राइट साइड ऑफ द हेड एंड फेस को। एंड सेकेंड यहाँ पे होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड ब्लड राइट साइड ऑफ द ब्रेन को। इसके बाद सेकेंड आती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये हमने देखा था, ये दो के अंदर जब डिवाइड हुई थी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे इस वाली आर्टरी की जो यहाँ से निकल रही है, इस वाली की यहाँ पे लेफ्ट सबक्लेवियन दिखाई दे रही है तो ये ऐसे ही राइट सबक्लेवियन होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ से है, ये क्या है, राइट सबक्लेवियन। तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी की अगर हम बात करें, इट सप्लाइज ब्लड टू द राइट फोर लिम्ब। ये क्या करती है, राइट फोर लिम्ब को ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ना ऐसा होता है, ये ऊपर की तरफ हेड हो गया इसका रेट का और इधर इसका जो है फोर विंग हो, फोर लिम्ब होगा और इधर साइड क्या होंगे, इसके हाइंड लिम्ब होंगे। तो ये जो है यहाँ पे ये वाली यानी कि राइट सब क्लेवियन, या ये क्या करती है, ये राइट फोर लिम्ब जो होता है, ठीक है, फोर लिम्ब जो होगा उसके अंदर ब्लड की सप्लाई भेजती है।
और यहाँ पे ये फर्दर डिवाइड हो जाती है, फर्दर डिवाइड होती है ये यहाँ पे, एक यहाँ पे बना लेती है राइट मेमोरी, राइट मेमोरी आर्टरी, मेमोरी से पता चल रहा है मेमोरी ग्लैंड को ये जो है सप्लाई भेजेगी, रनिंग टूवर्ड्स द वेंट्रल वॉल ऑफ द थोरैक्स एंड सप्लाई ब्लड टू द मेमोरी ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड को अपनी सप्लाई भेजती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं राइट ब्रैंकियल आर्टरी, ये यहाँ से जो है ये ब्रेक होके एक इधर चली गई थी एक इधर चली गई थी, तो ये जो राइट ब्रैंकियल आर्टरी है ये ब्लड सप्लाई करती है राइट फोर लिम को नियर एल्बो, ठीक है, ये भी क्या करेगी, ये फोर लिम को ही ब्लड सप्लाई करेगी एंड एल्बो के पास पहुंचने के बाद बाद ये बायफर्केट कर जाती है, एक राइट रेडियल बन जाती है और एक राइट अल्नर बन जाती है, एक रेडिया में एक अल्ना में अलग अलग से अपना ब्लड सप्लाई भेजेगी। तो ये है राइट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी जो है ये राइट फोरलिम में अपना ब्लड भेजेगी और यहाँ पे एक राइट मेमोरी आर्टरी होगी जो कि मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर अपनी सप्लाई भेजेगी, एक राइट ब्रैंकियल आर्टरी होगी जो कि यहाँ पे राइट फोरलिम के अंदर अपना ब्लड भेजेगी एंड एल्बो के पास पहुंचने के बाद ये बाइफर्केट कर जाती है दो के अंदर, एक रेडियल यानी रेडिया के अंदर भेजेगी, एक अल्नर, एक जो कि अल्ना के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ऐसे ही जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी, ये राइट वाली थी ये लेफ्ट वाली होगी, इट अराइज फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टेमिक ओर्टा, सिस्टेमिक ओर्टा के लेफ्ट साइड से अराइज होती है जस्ट बिफोर द टर्न टूवर्ड्स लोअर साइड, और जो है ये क्या कर जाती है फिर ये नीचे की तरफ टर्न कर जाती है। इसकी ब्रांचेस पैटर्न जो है वो सिमिलर होता है राइट कैरोटिड आर्टरी से, राइट में भी हमने देखा था ये एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड के अंदर डिवाइड हो जाती है और एक सबक्लेवियन होती है जो कि फर्दर मेमोरी एंड ब्रैंकियल के अंदर डिवाइड हो जाती है, ऐसे ही इसके अंदर होगा, ठीक है, इसके अंदर भी यही सेम ब्रांचेस होगी, पैटर्न जो है ब्रांचेस का वो सारा का सारा सेम होगा एंड स्प्लाइज ब्लड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, एंड जैसे हमने देखा था राइट साइड में जो पार्ट राइट साइड की ब्रेन को राइट साइड की फोर लिम को हेड को ब्लड सप्लाई कर रहा था, वैसे ही इस साइड के लेफ्ट साइड के जो है सप्लाई भेजेंगे, सेम पैटर्न होगा बस सिर्फ लेफ्ट लग जाएगा यहाँ पे आगे। इसके बाद लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी की बात आती है, ये वाली हो गई लेफ्ट सब क्लेवियन, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी जो है ये लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टेमिक आर्ट से अराइज होती है, इट स्प्लाइज ब्लड टू द लेफ्ट फोरलिम, लेफ्ट फोरलिम को स्प्लाई भेजेगी एंड मेमोरी ग्लैंड को स्प्लाई भेजेगी, इट्स ब्रांचिंग सिमिलर टू द राइट सब क्लेविन आर्टरी, इसकी ब्रांचेस भी सिमिलर होती है राइट सब क्लेविन आर्टरी की तरह, जैसे कि वो एक ब्रैंकियल के अंदर डिवाइड हो गई थी और एक यहाँ पे ये ब्रैंकियल के अंदर डिवाइड हो गई थी और ये हो गया एक मेमोरी के अंदर डिवाइड हो गई, तो इसका ब्रांचिंग पैटर्न भी सिमिलर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंटरकोस्टल आर्टरीज, इंटरकोस्टल आर्टरीज जो होती है द सेवरल पेयर ऑफ स्मॉल आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू थोरेसिक वॉल, यानी कि रिब्स को जो सप्लाई होती है वो की जाती है इन इंटरकोस्टल से, ये जैसे लेफ्ट इंटरकोस्टल है और इस साइड राइट इंटरकोस्टल होगी, तो जो सेवरल पेयर ऑफ स्मॉल आर्टरीज होती है जो कि थोरेसिक वॉल यानी रिब्स को अपनी सप्लाई भेजेगी फ्रॉम डोर्सल ओर्टा। अब ये अगर हम इसकी बात करें ये क्या है, ये घूम घाम के इस साइड से आ गया है, ये डोर्सल ओर्टा है, तो डोर्सल ओर्टा से ये निकलती है। इसके बाद आती है फेरनिक आर्टरीज, फेरनिक आर्टरीज जो है अ पेयर ऑफ आर्टरीज होती है सप्लाई ब्लड डायफ्राम फ्रॉम द डोर्सल ओर्टा, ये डायफ्राम को जैसे कि ये वाला जो ये ब्लैक लाइन है ये क्या है डायफ्राम है, ये वाली इस डायफ्राम को ये अपनी सप्लाई भेजती है एंड ये भी कहां से आती है डोर्सल ओर्टा से ही आई। These are lying behind the intercostal arteries. और जैसे कि ये intercostal arteries थी इनके नीचे ही ये पाई जाती है। इसके बाद next आती है celiac artery. Celiac artery जो है large artery होती है जो कि connected होती है dorsal aorta behind the diaphragm. ये diaphragm से इसके जो diaphragm के बाद का जो portion है dorsal aorta का वहाँ पे ये एक large artery होती है और ये जो है dorsal aorta से वहाँ से निकलती है। लाइक ये अगर हम देखें ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है ये क्या है सीलिएक, इट डिवाइड्स इनटू थ्री ब्रांचेस, ये तीन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक यहाँ पे होती है ये हो गई एक, तो एक होती है हिपेटिक, एक होती है गैस्ट्रिक।
और हिपेटिक वाली जो है ये लीवर को सप्लाई भेजेगी, गैस्ट्रिक वाली है ये स्टमक को सप्लाई भेजेगी, एंड सेकंड इज द स्प्लीनिक, सेकंड इज द सॉरी थर्ड इज द, ये हो गई स्प्लीनिक, ठीक है, थर्ड इज द स्प्लीनिक। स्प्लीनिक किसको सप्लाई भेजेगी, ये स्प्लीन एंड पेनक्रियास को सप्लाई भेजेगी, और इसको लाइनियल आर्टरी भी बोला जाता है। तो ये हो गए यहाँ पे सीलिएक आर्टरी के अंदर। सीलिएक आर्टरी क्या होती है, डायफ्रेगम के जस्ट बिहाइंड डोर्सल ओटा से एक लार्ज आर्टरी निकलती है, और ये लार्ज आर्टरी तीन के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक होती है हिपेटिक आर्टरी जो कि लीवर को सप्लाई भेजेगी, गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि स्टमक को सप्लाई भेजेगी, थर्ड इज द स्प्लीनिक आर्टरी जो कि स्प्लीन एंड पेनक्रियास को सप्लाई भेजेगी। नेक्स्ट आता है एंटीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। एंटीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी जो होती है, अब एक लार्ज मीडियन आर्टरी होती है लीविंग ओटा बिहाइंड सीलिएक आर्टरी। सीलिएक आर्टरी जो होती है उसके बाद जो है ये स्टार्ट होती है डोर्सल ओटा से, यानी कि ये यहां से सीलिएक निकल गई थी यहां से, इसके बाद जो है जस्ट इसके बिहाइंड जो है ये निकलती है, ठीक है, इसके बिहाइंड ही निकलेगी। और ये क्या होती है, ये वाली ये जो निकल रही है इसको बोला जाता है मिजेंट्रिक, एंटीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। ये मिजेंट्री में प्रेजेंट होती है एंड इट डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द ड्यूडेनम, पैनक्रियास, इलियम, सीकम, कोलन एक्सेट्रा थ्रू स्मॉल ब्रांचेस। अब इसकी अलग अलग ब्रांचेस होगी और ये ब्रांचेस क्या करेंगी, अलग अलग पार्ट्स जैसे कि ड्यूडेनम, पैनक्रियास, इलियम, सीकम, कोलन को अपनी सप्लाई भेजेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है रीनल आर्टरीज। रीनल यानी कि जो किडनीज को अपनी सप्लाई भेजेंगी। तो रीनल आर्टरीज की अगर हम बात करें, लाइक ये वाली हो गई यहाँ पे लेफ्ट रीनल और ये राइट रीनल, ये हो जाएगी ये वाली यहाँ पे। तो ये जो रीनल वाली आर्टरी होती है, ये रीनल आर्टरी एक पेयर में होती है, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है। सप्लाई ब्लड फ्रॉम डोर्सल ओर्टा टू किडनी, डोर्सल ओर्टा से जो ब्लड आएगा वो किडनी के अंदर ये भेजेगी। द राइट रीनल आर्टरी स्लाइटली फॉरवर्ड ड्यू टू एसिमेट्रिकल पोर्शन ऑफ द किडनी। अब किडनी जो है एसिमेट्रिकली यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इस वजह से जो राइट रीनल आर्टरी होती है स्लाइटली फॉरवर्ड होती है देन द लेफ्ट से। इसके बाद नेक्स्ट आती है जेनिटियल आर्टरी, जो कि जेनिटियल्स को या फिर जेनेटिक जो ऑर्गन्स होंगे उनको अपनी सप्लाई भेजती है, फिर गोनेट्स को अपनी सप्लाई भेजेगी। जेनिटियल आर्टरीज के अंदर अपेयर ऑफ जेनिटियल आर्टरीज होती है सप्लाई ब्लड टू द जेनिटियल ऑर्गन्स फ्रॉम डोर्सल ओर्टा, डोर्सल ओर्टा से जेनिटियल ऑर्गन्स को ये अपनी सप्लाई भेजती है। ये हो गई यहाँ पे लेफ्ट जेनिटियल और साइड हो जाएगी राइट जेनिटियल, और ये पेयर के अंदर होती है लेफ्ट और राइट। दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटिक आर्टरीज इन मेल। मेल्स के अंदर इनको स्पर्मेटिक आर्टरीज बोला जाता है, एंड मेल के अंदर टेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड वैसा डिफरेंसिया को ये सप्लाई भेजती है, वाइल फीमेल के अंदर इनको बोला जाता है ओवेरियन आर्टरीज एंड ये सप्लाई भेजती है ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब्स को। इसके बाद नेक्स्ट आती है इलियोलुम्बर आर्टरीज। इलियोलुम्बर आर्टरीज जो है ये हो गई यहाँ पे ये वाली राइट इलियो लुम्बर आर्टरी। तो ये जो इलियो लुम्बर आर्टरी है एक पेयर में होती है ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द डोर्सल वॉल ऑफ द एब्डोमन। एब्डोमन की डोर्सल वॉल को ये ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है पोस्टीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। यहाँ पे क्या होती है पोस्टीरियर मिजेंट्रिक होती है। पोस्टीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी जो होती है स्मॉल आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द कोलन एंड रेक्टम। कोलन एंड रेक्टम को ही अपनी ब्लड सप्लाई भेजती है। इट अराइजेज जस्ट बिफोर बाइफर्केशन ऑफ डोर्सल ओर्टा, एंड ये डोर्सल ओर्टा के ये बाइफर्केशन यहाँ पे हो जाता है, इससे जस्ट पहले ये जो है अराइज होती है, एंड फ्रॉम बाइफर्केशन ऑफ डोर्सल ओर्टा इंटू कॉमन इलियक आर्टरी, एंड ये डोर्सल ओर्टा जो है कॉमन इलियक आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो कॉमन इलियक आर्टरी क्या होगी, अब यहाँ पे ये जो डिवाइड हो गई है कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है, ये यहाँ से ये जो डिवाइड हुई है और डिवाइड होने के बाद ये दो बन गई है। तो ये जो कॉमन इलियक आर्टरी है डोर्सल ओर्टा बाइफर्केट इंटू कॉमन इलियक आर्टरी इन पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में आने के बाद ये दो के अंदर डिवाइड हो जाता है या फिर बाइफर्केट हो जाता है। ईच कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइडेड इंटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एंड हर एक जो इलियक आर्टरी है वो दो के अंदर डिवाइड होगी, एक होगी इंटरनल और एक होगी एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज। इंटरनल इलियक आर्टरी जो है ये सप्लाई ब्लड टू द डोर्सल वॉल ऑफ द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी की जो डोर्सल वॉल होती है उसको ही अपनी सप्लाई भेजती है।
वाइल एक्सटर्नल इलिक आर्टरी जो है ये दो ब्रांचेस देती है एब्डोमन के अंदर, देन सप्लाई ब्लड टू द हाइंड लेग एज फिमोरल। ठीक है, फिमोरल आर्टरी की तरह क्या करती है ये जो है लेग के अंदर अपनी सप्लाई भेजती है। जैसे कि एक्सटर्नल इलिक आर्टरी की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो है फर्दर वेसिको यूट्रिन आर्टरी होती है। वेसिको यूट्राइन आर्टरी जो है एक शॉर्ट वेसल होती है अराइजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इलिक आर्टरीज टू सप्लाई ब्लड टू यूरिनरी ब्लैडर एज द वेसिकल आर्टरी। ठीक है, वेसिको यूट्रिन, इसमें वेसिकल आर्टरी होगी वो यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई भेजेगी, यूट्राइन आर्टरी होगी यूट्रस को सप्लाई भेजेगी। ठीक है, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर ही यूट्रस के अंदर सप्लाई भेजेगी। इसके बाद आती है पोस्टीरियर एपिगैस्ट्रिक। ठीक है, ये वाली हो गई एपिगैस्ट्रिक। पोस्टीरियर एपिगैस्ट्रिक इट डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड टू द वेंट्रल वॉल ऑफ द एब्डोमन फ्रॉम द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से ये अराइज हुई है तो वहां से ब्लड लेके ये ब्लड भेजती है वेंट्रल वॉल ऑफ द एब्डोमन। इसके बाद नेक्स्ट आती है फिमोरल आर्टरी। ठीक है, लास्टली जो यहाँ पे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी थी वो फिमोरल आर्टरी के अंदर खत्म हो जाती है। तो ये जो फिमोरल आर्टरी है इट सप्लाई ब्लड टू द हाइंड लिम को सप्लाई भेजेगी एट नी लेवल, और नी लेवल के पास पहुंचने के बाद ये फिर से बाइफरकेट हो जाती है टिबियल एंड पोपलीटियल आर्टरीज के अंदर। ठीक है, एक होगा यहाँ पे टिबियल और एक होगी यहाँ पे पोपलीटियल आर्टरीज। ठीक है, फर्दर दो के अंदर यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, ये डिवाइड हो गई यहाँ पे, एक यहाँ पे ये हो गई डिवाइड, तो एक टीबियल होगी और एक पोपलीटियल होगी। तो ये हो गया यहाँ पे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के बाद। इसके बाद आती है नेक्स्ट कोडल आर्टरी, यानी कि जो टेल के अंदर सप्लाई भेजेगी। डोर्सल ओर्टा कंटिन्यूस पोस्टीरियरली एज द मीडियन थिन ब्लड आर्टरी। अब डोर्सल ओर्टा जो है यहाँ से जो है एक कनेक्शन रखता है, कंटिन्यू होता है पोस्टीरियर मीडियन थिन ब्लड आर्टरी एंड ये सप्लाई करती है सैक्रम एंड टेल को। ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द डोर्सल ओर्टा द ल्यूमर आर्टरीज अराइज फ्रॉम द डोर्सल साइड टू सप्लाई ब्लड टू द डोर्सल एब्डोमिनल। जो डोर्सल ओर्टा की ऑल अलोंग जो लेंथ है, इतनी लेंथ है इसकी, यहाँ से लुम्बर आर्टरीज अराइज होती है डोर्सल साइड टू, और ये क्या करती है ये सप्लाई करती है ब्लड को डोर्सल एब्डोमिनल वॉल जितनी भी होगी। ठीक है, डोर्सल एब्डोमिनल वॉल जो होगी, एब्डोमन की जो डोर्सल वॉल होगी उसको ये अपनी सप्लाई भेजती है। तो ये हो गई यहाँ पे कोडल आर्टरी, ये कॉमन डायग्राम हो गया जिसके अंदर ये सारी की सारी दिखाई हुई है, जैसे कि कैरोटिड हो गया, सब क्लेवियन हो गया, इसके बाद ये पल्मोनरी वाली हो गई, लेफ्ट पल्मोनरी होगी, राइट पल्मोनरी होगी, इनोमिनेट हो गई, सब क्लेवियन होगी, ब्रैंकियल हो गई, रेडियल हो गई, ये बीच में डोर्सल ओर्टा हो गया, यहाँ पे डाइफ्रगम को सप्लाई भेजती है, राइट मेमरी हो गई, हिपेटिक गैस्ट्रिक हो गई, एंड रीनल हो गई, जेनिटियल होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर मिजेंट्रिक होगी। तो ये अलग अलग अपनी सप्लाई भेजती है। अगर हम आर्टीरियल सिस्टम ऑफ फ्रॉग को, सॉरी रेट को अगर हम समराइज करें यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आर्टेरियल सिस्टम ऑफ रेट। इसके अंदर पल्मोनरी एंड ओर्टिक दो सिस्टम थे। पल्मोनरी क्या करती है, दो ब्रांचेस देती है, एक लेफ्ट और एक राइट, और ये जो पल्मोनरी ब्रांचेस होती है ये लंग्स को सप्लाई भेजती है। ये हो गया यहाँ पे पल्मोनरी सिस्टम के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओर्टिक सिस्टम के बारे में। ओर्टिक सिस्टम की अगर हम बात करें, कोरोनरी जो है हार्ट वॉल को सप्लाई भेजती है। ठीक है, कोरोनरी क्या करती है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट वॉल को सप्लाई भेजेगी। इसके बाद नेक्स्ट आती है इनोमिनेट। इनोमिनेट जो है राइट कॉमन ये हेड रीजन थ्रू नेक को सप्लाई भेजेगी, और ये जो राइट कॉमन कैरोटिड है ये दो के अंदर डिवाइड हो जाएगी। दो के अंदर किस किस के अंदर डिवाइड होगी, ये दो के अंदर जब ये डिवाइड होगी तो ये एक होगी यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड, एक होगी इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड जो है राइट साइड ऑफ द हेड एंड फेस को सप्लाई भेजेगी, और इंटरनल कैरोटिड जो है राइट साइड ऑफ द ब्रेन को सप्लाई भेजेगी। इसके बाद नेक्स्ट आती है ये इनोमिनेट की राइट सबक्लेवियन। राइट सबक्लेवियन जो है ये राइट फोरलिम को सप्लाई भेजेगी एंड दो के अंदर डिवाइड हो जाएगी। राइट मेमरी एंड ब्रेंकियल, राइट मेमरी जो है मेमरी ग्लैंड को सप्लाई भेजेगी एंड ब्रेंकियल जो है ये राइट फोरलिम को सप्लाई भेजेगी एंड ये दो के अंदर डिवाइड हो जाएगी एल्बो लेवल। एक होगा राइट रेडियल और एक होगा राइट अल्नर।
इसके बाद नेक्स्ट आती है यहाँ पे ओर्टिक के अंदर, एक ये हो गई, एक ये हो गई, थर्ड आती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड जो है लेफ्ट साइड ऑफ द हेड को सप्लाई भेजेगी। नेक्स्ट आती है लेफ्ट सबक्लेवियन। लेफ्ट सबक्लेवियन जो है लेफ्ट फोरलिंग एंड मेमरी ग्लैंड को सप्लाई भेजेगी। इसके बाद नेक्स्ट आती है इंटरकोस्टल, थोरेसिक वॉल एंड रिब्स को ये अपनी सप्लाई भेजेगी। नेक्स्ट आती है फैरिंग, फैरिंग जो है डायफ्रगम को अपनी सप्लाई भेजेगी। नेक्स्ट आती है सीलिएक, सीलिएक जो है तीन के अंदर डिवाइड हो जाती है, हिपेटिक, गैस्ट्रिक एंड स्प्लेनिक। हिपेटिक जो है लिवर को भेजेगी, गैस्ट्रिक स्टमक को भेजेगी एंड स्प्लेनिक जो है स्प्लीन एंड लिवर को भेजेगी। नेक्स्ट आती है एंटीरियर मिजेंट्रिक। एंटीरियर मिजेंट्रिक जो है अलग अलग फाइन ब्रांचेस के थ्रू ड्यूडेनम, पैनक्रियाज, इलियम, सीकम एंड कोलन को अपनी सप्लाई भेजती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है रीनल। रीनल जो है किडनीज को अपनी सप्लाई भेजती है। जेनिटियल जो है जेनिटियल जेनिटियल ऑर्गन्स को सप्लाई भेजती है, लाइक इसको बोला जाता है स्पर्मेटिक मेल के अंदर एंड ओवरियन बोला जाता है इसको फीमेल के अंदर। एंड स्पर्मेटिक जो है टेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड वैसा डिफरेंसिया को अपनी सप्लाई भेजेगी। ओवरियन के ओवरियन जो है फीमेल्स के अंदर ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब को अपनी सप्लाई भेजेगी। नेक्स्ट है इलियोलुम्बर, ये डोर्सल वॉल ऑफ द एब्डोमेन को अपनी सप्लाई भेजेगी। नेक्स्ट इज द पोस्टियर मिजेंट्रिक, जो कि कोलन एंड रेक्टम को ही अपनी सप्लाई भेजेगी। कॉमन इलियक, कॉमन इलियक जो है इसके अंदर एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल जो है डोर्सल वॉल ऑफ द पेल्विक कैविटी को अपनी सप्लाई भेजेगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या बची है, एक्सटर्नल इलियक, ये एब्डोमेन एंड हाइंड लिम को अपनी सप्लाई भेजेगी, फिर हाइंड लेग को अपनी सप्लाई भेजेगी। एक्सटर्नल वाली जो है ये वेसिको यूट्राइन के अंदर डिवाइड हो जाती है। वेसिको यूट्राइन के अंदर एक वेसिकल होती है, एक यूट्राइन होती है। वेसिकल वाली जो है ये जो वेसिकल वाली है यूरिनरी ब्लैडर को अपनी सप्लाई भेजेगी। यूट्राइन वाली जो है यूट्रिन को यूट्रस को अपनी सप्लाई भेजेगी, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर। इसके बाद ये डिवाइड होती है पोस्टीरियर एपिगैस्ट्रिक के अंदर एंड ये वेंट्रल वॉल ऑफ द एब्डोमेन को सप्लाई भेजती है। एक्सटर्नल इलियक की थर्ड ब्रांच है फिमोरल। फिमोरल जो है ये हाइंड लिम को अपनी सप्लाई भेजेगी एंड ये दो के अंदर डिवाइड हो जाती है, टिबियल एंड पोपलीटियल के अंदर। एंड सबसे लास्ट यहाँ पे आती है कोडल, जो कि सैक्रम एंड टेल को अपनी सप्लाई भेजेगी। तो ये सारी इस डायग्राम के अंदर सारी की सारी यहाँ पे हमने देख लिया कि कौन सी सप्लाई किसको यहाँ पे भेजी जाएगी। ठीक है, सारी हमने यहाँ पे देख ली है कोई कि कौन सी ब्रांच किसको ये सप्लाई भेजती है। ये जो है इंपॉर्टेंट डायग्राम है पूरा का पूरा आर्टेरियल सिस्टम को कवर करने के। तो यहाँ तक हमने आर्टेरियल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वीनस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, वीनस सिस्टम ऑफ द रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।